और फिफ्टी टू वीक लो पर रिलायंस है एस में बड़ी डिक्लाइन है बड़े बैंकों में बड़ी डिक्लाइन है और एक और चीज़ हो रही है जो आपको बता रही है कि सर मार्केट में हो क्या रहा है लगातार हम ये हेडलाइन कर रहे हैं कि गोल्ड 60,000 क्रॉस कर गया है और बिटकॉइन बिटकॉइन ने हर्षता पिछले 10 दिन में करीब करीब 50 परसेंट की रैली की है ये आपको एक चीज़ बता रहा है ये इन्वेस्टर्स जो है ना ये सेंट्रल बैंकर्स को और गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप लोग टरली भाड़ में जाओ हमें फर्क नहीं पड़ता yeah. क्योंकि आप पर भरोसा नहीं है हमको वी वुड मच रादर बी इन जो ऑल्टरनेट uh, बेसिकली हो क्या रहा है ये आप इतने डॉलर प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि अब लोगों का विश्वास ही उठ रहा है डॉलर के ऊपर से uh, किसी को बेल आउट मिल रहा है कहीं कोई बैंक प्रॉब्लम में आ रहा है कहीं कुछ हो रहा है और ये सारा का सारा जो है डेजा वो बिल्कुल मुझे 2008 की याद दिला रहा है हालांकि बहुत लोगों ने कहा है कि ये लीमेन मोमेंट नहीं है भले ही नहीं है लीमन मोमेंट लेकिन प्राइस प्रेशर तो बहुत ज्यादा मार्केट में है इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड और अगर आपको ऐसे लगे कि भारतीय इकॉनमी में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन ग्लोबल प्रेशर प्रेशर इतना है और एफआईआईस की बिकवाली इतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि भारतीय बाजार भी उस ग्रिप में फंसा हुआ मंदी की अच्छा इस बीच क्रेडिट सुइस की तरफ से जो अपडेट आ रहा था आज जो कारोबार की शुरुआत यहां पर यूरोप में हुई है एक अच्छे खासे नॉक के साथ होती हुई दिखाई दे रही है उन स्टॉक्स में अभी भी बेल आउट के बावजूद प्रेशर देखने को मिल रहा है तो एक बार वो यूरोपीय पिक्चर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो ताजा अपडेट है और देखिए ये ग्लोबल मार्केट में जो संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वही भारतीय बाजारों पर हावी है तो जर्मनी के मार्केट में एक डेढ़ परसेंट तक का नुकसान 200 पॉइंट नीचे है फ्रांस का बाजार भी कमजोर खुल रहा है फुटसी में भी हम देख रहे हैं करीब डेढ़ परसेंट तक का दबाव देखने को मिला है तो ऐसा नहीं है कि उस पर पर ग्लोबली सेल ऑफ किसी तरह का विराम लगता हुआ डाउ फ्यूचर्स अनुज मुझे कार्यक्रम की शुरुआत में जब आप सुब, सुबह में दो सौ पॉइंट और बात करते करते हल्का करेक्शन आया लेकिन ये साढ़े पॉइंट की गिरावट वाकई में चौकाने वाली है और नेस्टेक फ्यूचर्स भी करीब सौ पॉइंट नीचे तो सेकेंड हाफ और आज की क्लोजिंग के लिए फिर मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया है